अब हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट पढ़ने लगे हैं, और ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के लिए। तो लास्ट वीडियोस में जो हमने चीज़ें पढ़ी वो उससे एक लेवल अप हो चुका है, और अब हम बात कर रहे हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की। तो इसके लिए जो आपको ऑपरेटर्स चाहिए होता है वो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स चाहिए होता है, और एक बीकर चाहिए होता है। ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं। आपने कैप्सूल टेस्ट करने हैं तो आपके रिक्वायरमेंट में वो कैप्सूल्स भी आ जाएंगे। अब इंट्रोड्यूस कैप्सूल इन ईच ग्लास ट्यूब अनलेस अदरवाइज दैट इज स्टेटेड। तो हर ग्लास ट्यूब के अंदर आपने एक एक कैप्सूल को इंट्रोड्यूस करवा देना है। आपने आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आपने किस तरीके से अपनी असेंबली को सस्पेंड करना है। लिक्विड मीडियम जिस बीकर के अंदर है उसके अंदर आपने जाके उसको सस्पेंड कर देना है, और आपका टेम्परेचर 37 डिग्री पे मेंटेन होना चाहिए। स्पेसिफिक टाइम के लिए आपने उसको ऑपरेट करना है। देयर आर डिफरेंट टाइम फॉर द डिफरेंट कैप्सूल्स। मोनोग्राफ के ऊपर ना मेंशन होता है कि इस कैप्सूल के लिए कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना जो टाइम पीरियड होता है उसको सेट कर लेना। प्रिस्क्राइब टाइम के लिए फिर आपने क्या करना है कि असेंबली को, असेंबली में से जो भी लिक्विड होगा उसको रिमूव करना है। अब इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे बीपी की स्पेसिफिकेशन 15 मिनट है, और यूएसपी की स्पेसिफिकेशन जो है वो 30 मिनट्स है। जब हम बात करते हैं इसके रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन की, तो उसमें हमारे पास ये आता है कि हमने ऑब्जर्व करना है कैप्सूल्स को। बीपी के अकॉर्डिंग इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट है, और जो यूएसपी के अकॉर्डिंग इसकी इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट है। बीपी ये कहता है कि आपने उसको ऑब्जर्व करना है, 6 टैबलेट हैव डिसइंटीग्रेटेड प्रॉपरली वो डिसइंटीग्रेट हुई हैं कि नहीं। देन आर बैच हैज़ पास, अगर 6 टैबलेट्स थी एंड देट 6 टैबलेट्स हैव बीन पास, तो मतलब वो डिसइंटीग्रेट हो गई हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम बैच को पास कर देंगे। अगर कोई एक या दो कैप्सूल जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं कि 6 और टैबलेट्स के ऊपर हम लोग इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब पहले हमारे पास अब 12 कैप्सूल हो गए, तो 10 मस्ट बी डिसइंटीग्रेट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। अब 12 कैप्सूल टोटल हो गया, तो 12 हम लोग कहते हैं कि वो डिसइंटीग्रेट उस टाइम पीरियड के अंदर हो जाए, अदरवाइज हमने क्या करना है अपने बैच को रिजेक्ट कर देना। सिंपली पहले 6 ली थी, ठीक है, और अगर वो डिसइंटीग्रेट हो गई तो वेल एंड गुड, और इन केस के वो नहीं होती तो हमने फिर 6 और लेनी है, तो टोटल 12 होगी, और 12 में से 10 को डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए, अदरवाइज जो है दिस गोना खराब आर रिजल्ट। ओके, देन वी हैव द यूएसपी। अगर 6 टैबलेट डिसइंटीग्रेट प्रॉपरली हो जाती है इन द प्रिस्क्राइब टाइम अंडर प्रिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, तो बैच जो है वो पास है। एक या दो नहीं हो पाती प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर, तो हमने 6 और टैबलेट और कैप्सूल्स लेनी है, और उसके ऊपर ये जो एक्सपेरिमेंट है ये करके देखना है। अगर हम लोग कहते हैं कि 10 इफ नॉट लेस देन 10 टैबलेट्स कैप्सूल आउट ऑफ 12, तो हम लोग कहते हैं कि बैच पास हो जाता है। तो 12 में से जो 10 हैं उनको विद इन द स्पेसिफिक टाइम जो स्पेसिफाई किया गया उसके अंदर उसको डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए।